हरियाणा में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद हरियाणा में भाजपा का खिसका जनाधार मोदी और शाह के लिए चिंताजनक है। ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति भी कारगर साबित नहीं हुई और चुनाव में भाजपा को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। यहां बीजेपी के वोट शेयर में भी कमी आई थी। दूसरी ओर कांग्रेस 5 सीटों पर जीतने के बाद जोश में नजर आ रही है, जब भाजपा हिंदू संगठनों के जरिए फिर से खोया हुआ जनाधार पाने में जुटी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मेवात में फिर से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के पास इसकी कोई सूचना नहीं है। ब्रजमंडल यात्रा निकाले जाने की चर्चाओं के बीच माहौल गर्माया गया है। इस यात्रा को लेकर प्रशासन अभी से चौंकन्ना हो गया है। 31 जुलाई 2023 को इस यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। कई हिंसा आरोपी जेल में बंद हैं। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अभी तक प्रशासन से कोई अनुमति किसी की ओर से नहीं मांगी गई है, लेकिन विश्व हिंदू संगठन बजरंग दल के पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा निकालने की बात कही। पिछले साल हुई नूह हिंसा के दौरान 6 लोगों की मौत हुई थी, इनमें 4 नूह और 2 गुरुग्राम जिले से थे। वहीं काफी संख्या में लोग घायल भी हुए थे, सैकड़ों वाहन जले थे। इस हिंसा मामले में पुलिस ने अलग अलग थानों में करीब 61 मुकदमे दर्ज किए थे, जिन मुकदमों में UAPA लगाया गया है। वो मुकदमे 2 होमगार्ड व 1 बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था। पाकिस्तान से जुड़े 12 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस टीमों ने हिंसा और अकाउंट से जुड़े फॉलोअर्स को पकड़ा, तो पता चला कि इसमें हरियाणा के मेवात ही नहीं बल्कि राजस्थान के भी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। हिंसा के लिए उकसाने के साथ ही हिंसा के बाद जश्न मनाने तक के पोस्ट अपलोड किए गए थे।